Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our lecture is about English class 6, unit number 4. Exercise. Figurative language. Read the poem and pick out the use of simile. What is simile? A simile compares two things using like or as. For example, if I want to say that somebody swims well, I can say he, she swims like a fish because a fish swims well. Okay, simile basically is the word which compares two things, two unlike things, persons. Okay, yani isme hum compare karte hain do cheezon ka, do logon ka. हम कंपेयर करते हैं और हम यूज़ करते हैं वर्ड्स लाइक या एज. और यहाँ पे मिसाल दी गई है, एग्जांपल दी गई है. इफ़ आई वांट टू से दैट समबडी स्विम्स वेल, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कोई शख्स जो है वो बहुत अच्छा स्विम करता है, आई कैन से ही शी स्विम्स लाइक अ फिश. तो मैं ये कहूँगी कि वो ही या शी जो है वो स्विम्स करती है लाइक अ फिश, क्योंकि फिश स्विम्स वेल. तो मैंने उसकी स्विमिंग को, किसी लड़के या लड़की की स्विमिंग को हमने कंपेयर किया फिश की स्विमिंग के साथ. हमने कहा कि वो फिश की तरह बहुत अच्छे से स्विम करता है या करती है. ठीक है, तो इसमें हम टू टाइप ऑफ पैटर्न्स यूज़ करते हैं. देर आर टू बेसिक पैटर्न्स दैट यू कैन यूज़ फॉर कंपेरिजन. एक पैटर्न है जिसमें हम लाइक का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल्स. अच्छा, जब हम लाइक का यूज़ करेंगे तो उसका पैटर्न होगा वर्ब प्लस लाइक प्लस नाउन, उसमें वर्ब आ जाएगा. शी स्विम्स लाइक अ फिश. अब ये लड़की और फिश का कोई कंपैरिजन तो नहीं है, दे आर टू अनलाइक. ये ह्यूमन बीइंग है, ये एनिमल है, सी एनिमल है. ठीक है, लेकिन हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि इनकी एक चीज़ जो है वो मुश्तरक है. कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे फिश अच्छे से स्विम करती है, इसी तरह शी स्विम्स लाइक अ फिश. ही वॉक्स लाइक अ डक. शी एक्ट्स लाइक अ फूल. पैटर्न टू, एग्जांपल्स. एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन, इसमें हम एज का यूज करेंगे. ही इज एज टॉल एज ए जाइंट. वो जाइंट की तरह टॉल है. She is as fast as a rocket. ठीक है, अब ये देखा जाए तो she and rocket has no comparison. ठीक है, वो इंसान है, वो थिंग है, लेकिन हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं उनकी फास्टनेस की वजह से, कि रॉकेट भी बहुत फास्ट है और वो रॉकेट की तरह ही फास्ट है. ही इज़ एज ग्रेसफुल एज ए स्वान. ओके, तो इसमें हम लाइक और एज दोनों यूज़ करेंगे. इसी तरह यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, हम इसको कंप्लीट करेंगे. मेक योर ओन सिमिलीज. हाउ वुड आई से दैट समबडी डैश रन्स फास्ट. ठीक है, अब यहाँ पे पहले वर्ब आ रहा है तो इसमें हम लाइक यूज़ करेंगे. ही रन्स फास्ट लाइक ए डियर. डियर जो है वो बहुत तेज़ भागती है, भागता है. इज प्रिटी. अब यहाँ पे वर्ब नहीं दिया गया तो इसको हम एज के साथ करेंगे. एडजेक्टिव दिया गया हमें, शी इज एज प्रिटी एज ए फेरी. वो परी की तरह खूबसूरत है. ठीक है, जंप्स वेल. अगेन हमें वर्ब दिया गया है, ही जंप्स वेल लाइक ए बॉल. वो बॉल की तरह जंप करता है. स्ट्रॉन्ग. ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए बुल. बुल जो है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है. हाउ कुड आई से दैट समथिंग फील सॉफ्ट.
इट फील्स सॉफ्ट, यहाँ पे हमें वर्ब दिया गया है, हम लाइक यूज करेंगे. इट फील्स सॉफ्ट लाइक अ सिल्क. इज स्वीट, इट इज एज स्वीट एज हनी. इज हैवी, माय बैग इज एज हैवी एज माउंटेन. It sounds noisy. Like a bad machine. जैसे bad machine का बहुत बुरी आवाज़ होती है ना, घड़ 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 घड़, या इससे भी बुरी आवाज़ हो सकती है. इसी तरह हम कहेंगे it sounds noisy like a bad machine. Okay, complete the summary of the poem using the following words: go, shine, enjoys, rest, set, like. The sun has set and the evening stars shine in the sky. Birds take rest in the nest and people also go to their homes. The moon looks like a flower and it also enjoys the night time. Okay, grammar, pronouns and possessive pronouns. What is pronoun? Pronouns are used in place of nouns. Pronouns ko hum noun ki jagah par istemal karte hain. Example kya hai? I, we, he, she, it, they. If I say Sana is a girl, she is very pretty. अब यहाँ पे सना है और सना की जगह मैंने यहाँ पे शी लिख दिया, मैंने सना का नाम दोबारा नहीं लिखा. सना इज़ अ गर्ल, सना इज़ वेरी प्रिटी, लेकिन सना की जगह हमने शी यूज़ कर लिया तो शी इज़ प्रोनाउन. इसी तरह अली इज़ अ बॉय, ही रीड्स इन सिक्स क्लास. ओके, तो यहाँ पे मैंने ही यूज़ कर दिया. तो बेसिकली प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो जिनको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, दीज आर ऑल प्रोनाउंस. ओके, पोजेसिव प्रोनाउंस. अ पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन. पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि पोजेशन शो करता है. ठीक है, पोजेशन मतलब किसी की मलकियत शो करता है कि ये चीज़ उसकी है, मेरी है, हमारी है, हम सब की है. इस तरह एग्जांपल इसके लिए मतलब मेरी, तुम्हारी, उसकी, इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउंस मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं माइन, यानी कि मेरा या मेरी, योर्स आपका, हिज उसका, हर उस लड़की का, देयर्स उन सब का, इट्स इसका. ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह के वर्ड्स पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. Here is the line of the poem. Encircle the pronoun, underline the possessive pronoun. Okay, ये देखिए line दी गई है मैं poem से. And I must seek for mine. I is the pronoun and mine is the possessive pronoun. Okay, I, mine. Complete these sentences using a suitable possessive pronoun. Possessive pronoun को आपने इन ब्लैंक्स पे फिल करना है. और इसका सबसे बेहतरीन हिंट जो है वो ये है कि वी विल सी द सब्जेक्ट, वी विल सी द प्रोनाउन. हम प्रोनाउन देखेंगे कि सेंटेंस के शुरू में प्रोनाउन क्या दिया गया है, फिर उसी से रिलेटेड जो है उसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा. ठीक है, ही इज कैरिंग हिज न्यू बैग, इट इज हिज, ही हिज, शी इज वेयरिंग हर ब्यूटिफुल ड्रेस, इट इज हर्स, शी hers. I am buying an expensive watch, it is mine. I, mine. I, me, mine. ठीक है, they are ironing their shirts, these are
theirs. They, theirs. You are holding a story book. It is yours. ठीक है जी. जो हमारा प्रोनाउन होगा उसी से रिलेटेड हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होगा. ये हिंट है. ही, हिज, शी, हर्स, आई, माई, दे, देयर्स, यू, योर्स. थैंक यू.